आज मैं आपको डुप्लेक्स घर का जो है प्लान दिखाना चाहता हूँ। देखो वीडियो का, अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, ग्राउंड फ्लोर में जो है पूरा फुल पार्किंग दिया गया और फर्स्ट कॉल 8095-615-113 फॉर हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिजाइन, इलेक्ट्रिक ड्राइंग एंड प्लम्बिंग ड्राइंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। फ्लोर पे जो है ना, ये पूरा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ये वाला जो देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं सेकंड फ्लोर का प्लान। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के अनुसार हम जो है ये वाला सिंपल सा ब्यूटीफुल प्लान आज आपको दिखा रहे हैं। देखिएगा वीडियो को, एंड यदि अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही कम स्पेस में बनाया गया है, जिसका साइज़ है 33x36 फीट में ही बनाया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपकी इसका 3D घर घर कैसा दिखता है, दिखता मतलब थोड़ा बहुत कुछ, एक 3D मॉडल जो दीवार लगाने के बाद कैसा अंदर का कैसा दिखता है, एक बेसिक चीज़ अगर आपको चाहिए बोले तो जस्ट आप लोग हमसे इस लिंक पे लिंक कर दीजिएगा। तो 3D डिज़ाइन चाहिए या फिर हाउस प्लान 3D फ्रंट से संपर्क कर सके। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको इसका फुल व्यू दिखाता हूँ। जो हमारे YouTube पे आपको फ्री प्लान्स मिल जाता है, बट यदि आप हमसे पर्सनली आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लान चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 8095-615-113 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। इसमें देखिएगा दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पर जो है कार पार्किंग एरिया पूरा फुल, 4 कार 5 कार या फिर बाइक व्हीकल्स आप लोग बिठवा सकते हैं यहाँ पे, विद कॉलम पॉइंट्स के साथ दिया गया। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान था, 36 फीट विड्थ में था, 33 फीट लेंथ में था। अब हम बात करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान में देख लीजिएगा, पीछे की तरफ 2 फीट ऑफसेट एरिया, यहाँ पर भी 2 फीट ऑफसेट दे रहा साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ भी 2 फीट ऑफसेट एरिया। ऑफसेट एरिया क्यों देना चाहिए, कई लोग हमें बोलते हैं कि सर आप ऑफसेट मत दीजिएगा, वहाँ पे हमारा जगह का काफ़ी वेस्टेज हो रहा है बोल के। तो क्लाइंट्स, वो वेस्टेज नहीं, अब देखो प्लम्बिंग आता, प्लम्बिंग वर्क आता, पाइपलाइन वर्क आता है, सभी फ्रेश वाटर पाइपलाइन, तो उससे क्या फ़ायदा है। अब छत का पानी भी जाता है ना, बारिश आया तो बारिश आने के बाद छत का पानी कहाँ पर जाना, वो भी आउटर वॉल से लेना पड़ता ना, उसके लिए हम ऑफसेट एरिया दिया जाता है। दूसरा रीज़न है वेंटिलेशन, सो दैट आपका एक हेल्थ अच्छा रहता है, वैसा देने से कंटिन्यू एयर सर्कुलेशन रहता है, जो घर के अंदर बैड स्मेल रहता है वो सब चले जाता है, तो कंटिन्यू एयर सर्कुलेशन उसके लिए दिया जाता है। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंटर करें, फर्स्ट फ्लोर को चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर जाने के बाद ये स्टेप इधर ही ख़त्म हो जाता है समझो, इसके बाद खाली ये आपको यहाँ ठहरे समझो, नीचे का स्टेप दिखता है, यहाँ से अगर आप ऊपर देखें समझो ऐसा तो प्लेन स्लैब दिखता है। तो यहाँ से एंटर करते हैं, बालकोनी एरिया है, 6 फीट विड्थ रहेगा, लेंथ में जो है जितना जगह मिल रहा है उतना 11-12 फीट आप जितना चाहे उतना, और सिट आउट 11x5 फीट में, एक छोटा सा सिट आउट, कोई गेस्ट आ गए तो उधर ही बिठाने के लिए थोड़ी सी जगह दिया गया। यहाँ से एंटर करते हैं, बिग साइज हॉल है, 11 फीट विड्थ में, 15 फुट 9 इंच में लेंथ में दिया हुआ है। और फिर यहाँ से देखिएगा, इधर आता आपका पूजा रूम, 6x5 फीट में एक पूजा रूम। तो डिपेंड करता है कितना बड़ा पूजा रूम रहना, उनके ऊपर डिपेंड रहता है, कई लोग जो है थोड़ा पूजा रूम बड़ा रख सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड। फिर देखिए फर्स्ट फ्लोर को जाना है समझो आप, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घर के अंदर सीढ़ी लिया, घर के बाहर थे उसको इधर ही कट ऑफ होता, इधर से जो घर के अंदर से शुरू होता। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होता, देख लीजिएगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और हॉल के अंदर एक कॉमन बाथरूम चाहिए बोले तो, ये जो लैंडिंग है देखो, इसके नीचे से जितना भी जगह मिलता वहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट रूम आप लोग बनवा सकते हैं। फिर उसके बाद किचन कम डाइनिंग एरिया आ रहा है, 12 फुट 6 इंच बाय 10 फिट, अगर इसी के अंदर एक यूटिलिटी के लिए एक सेपरेट जगह दिया गया तो और भी बेहतर था, आप चाहे तो यूटिलिटी ले सकते हैं दोस्तों। ये एंड तक स्लैब यहाँ थोड़ा सा पूरा कवर कर लीजिएगा, आप स्लैब को कवर करने के बाद यहाँ से ये दीवार को थोड़ा सा अंदर लीजिए, 2 फिट अंदर लिए समझो, तो वॉशिंग मशीन बिठा सकते हैं या फिर आप क्लॉथ वॉश एंड बर्तन जो भी रहता है वो वॉश के लिए जगह मिल जाता। बट वहाँ पे एक डीमेरिट क्या है, किचन का साइज़ कम हो जाता है। यहाँ पे पहला वाला बेडरूम दिया गया,
साउथ और वेस्ट कॉर्नर की तरफ 12 फुट बाई 8 फुट चेंज में लिया हुआ है और उसके साथ एक अटैच टॉयटन बाथ यहाँ पर दिया हुआ है। 8 फीट ऐसा लेंथ में है, 3 फुट चेंज ऐसा है। तो इधर हैंड वॉश के लिए जगह या फिर ड्रेसिंग के थोड़ा बहुत कुछ एक शेल्फ बनवा सकते हैं। अब देखो शेल्फ कहाँ पे बना, बेड पोजिशन तो इस तरह से रहेगा, ऐसा आ जाता है और शेल्फ यहाँ पर आ जाता है। तो ये था 1 BHK पोर्शन, ये ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ से आप लोग फर्स्ट फ्लोर जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, तो उसके बाद नेक्स्ट आता दोस्तों आपका यहाँ इस तरह से आ जाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर से आप आ गए फर्स्ट फ्लोर, इधर थोड़ा सा आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, ये जितना भी एरिया है देखो पूरा लिविंग एरिया। इधर आ जाता है आपका तीसरा वाला बेडरूम और यहाँ सेकेंड, चलिए बात करते हैं सेकेंड बेडरूम। यहाँ से आप लोग इधर आ गए, आने के बाद यहाँ से बेडरूम नंबर 2 12 बाई 16 फिट 3 इंच बेड पोजीशन यहाँ पर आ जाता है साउथ वेस्ट कॉर्नर। पीछे की तरफ टॉयलेट रूम वो सब कर सकते हैं आप लोग, ड्रेसिंग एरिया विद ड्रेसिंग एरिया के साथ। और सामने जाते हैं आपको स्लाइडिंग डोर मिल जाता है, स्लाइडिंग और बालकोनी 12 फीट बाई 6 फीट का एक बिग साइज बालकोनी, आपको प्राइवेसी रहेगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता बालकोनी में, आराम से 2 से 4 जन आराम से बैठ सकते समझो। ओके, लिविंग एरिया मिल रहे हैं आप लोगों को 17 फुट 9 इंच बाय 10 फीट में, लेंथ में 17 फुट 9 इंच, विड्थ में जो है 10 फीट। इधर आ जाता दोस्तों आपका बालकोनी 20 फुट ऐसा लेंथ में, 5 फीट ऐसे विड्थ में आ जाता, एक कॉमन लिविंग बालकोनी मिल जा रहा है। और इधर ही जो है तीसरा वाला बेडरूम है दोस्तों। तो ये था पूरा इस प्लान का जो है एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिए, आपको पेड प्लान्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम प्लान बना के देते हैं, काफ़ी अच्छा। और एक चीज़, कई लोगों को हम दिए सो प्लान कभी कभी पसंद नहीं आता क्लाइंट को, बट एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, हम जो प्लान देते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के देते हैं, बट हम जैसा एक फ्रेशनेस रहना चाहिए घर के अंदर। घर किसके लिए रहता, घर बांधने के बाद आपको अंदर सुकून मिलना, एक फीलिंग आना, हाँ भाई मैं रह रहा हूँ एक छत के नीचे, सुकून से रह रहा हूँ, सफिशियंट मेरे को आजू बाजू से हवा मिल रहा है, लाइट वेंटिलेशन मिल रहा है, एक फीलिंग आना चाहिए। तो उसकी वजह से दोस्तों हम इतना खुला खुला जो ऑफसेट एरिया दे के दिया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर इन्हों फ्यूचर में ये स्टेप्स आगे बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, और ऐसे इधर कट किया गया समझो, रेंट नहीं दे सकते ऊपर की तरफ, सिर्फ सिंगल फैमिली के लिए रहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद।